हेलो फ्रेंड्स, ओडिया कर्नर यूट्यूब चैनल रे आपण मानंकु बहुत बहुत स्वागत। आज गुरुवार सकाळ रो किछि ताजा खबर फटाफट देखि नियंतु। राजधानी रो चिन्हट हेले 925 जण कोरोना आक्रांत। गत 24 घंटा मध्ये रे राजधानी रो 925 जण कोरोना आक्रांत चिन्हट होईछंती। चिन्हट आक्रांतक मध्ये रो क्वारंटाइन रो 137 जण थिबा बेले स्थानीय अंचल रो 788 जण आक्रांत रहिछंती। सही परि गतकाली 855 जण कोरोना आक्रांत सुस्थ होई घर को फेरी छंती। तेबे नुआ कोरोना आक्रांत को मिसाइले राज्य रे एजाबत 64574 जण कोरोना आक्रांत चिन्हट होई छंती। एबे भी आहुरी 12341 टी कोरोना सक्रिय मामला रही छि। तेबे कोरोना रे आक्रांत होई राजधानी रे 301 जणकर मृत्यु होई सरलानी। परवर्ती टीला 24 घंटा रे कोरोना रु सुस्थ हेले 10036 आक्रांत। खोर्धा रु सर्वाधिक 1471। राज्य रे गतकाली कोरोना रु 10036 जण आक्रांत सुस्थ होई छंती। एथिरे खोर्धा जिला रु सर्वाधिक 1471 जण अछंती। राज्य सरकारक स्वास्थ्य ओ परिवार कल्याण विभाग पक्षरु एही सूचना दिया जाय छि। एथि सहित राज्य रे कोरोना रु सुस्थ होइतिबा आक्रांतक संख्या 546631 कु वृद्धि पाइ छि। स्वास्थ्य विभाग सूचना अनुसार सुंदरगढ़ जिलूर 814 जन कोरोना आक्रांत सुस्थ होती। कटक रु 718, अनुगुल 510, बरगढ़ 455, कलाहांडी 437, जाजपुर 407, गंजाम 366, नवरंगपुर 356, पूरी 351, बलांगीर 342, झारसुगुड़ा 334, संबलपुर 300, भद्रक 250, नयागढ़ 245, ढेंकानाल 236, बालेश्वर 230, बौद्ध 218, नुआपड़ा 202, रायगढ़ 199, केन्दुझर 186, मयूरभंज 165, जगतसिंहपुर 155, सुवर्णपुर 148, केन्द्रापड़ा 141, देवगढ़ 138, कोरापुट 111, गजपति 102, कंधमाल 95, मालकानगिरि 83 और राज्यपाल 271 जन कोरोना आक्रांत सुस्थ होती। परवर्ती टीला टीकार प्रथम डोज नेबा कोरोना आक्रांत हेले सुस्थ हेबार 3 मास परे नेबे द्वितीय डोज। एबे 45 दिन परिवर्ते कोरोना आक्रांत होई सुस्थ हेबार 3 मास परे नेबाकु हेबो कोरोना टीकार द्वितीय डोज। जेउ माने कोरोना टीकार प्रथम डोज नेबा परे कोरोना आक्रांत हेउछंती सेमाने एबे 45 दिन परिवर्ते 3 मास परे द्वितीय डोज नेबे बोली गतकाली केन्द्र स्वास्थ्य मंत्रालय पक्षरु कुहा जायछि। एही नूतन नियम नेगभाग द नेशनल एक्सपर्ट ग्रुप ऑन वैक्सीन एडमिनिस्ट्रेशन फॉर कोविड-19 रो सुपारिश क्रमे केन्द्र स्वास्थ्य मंत्रालय लागू करिछि। सरकार कोविशील्ड टीकार 2 डोज मध्ये व्यवधान को 6-8 सप्ताह रु 12-16 सप्ताह को बढ़ाइबा परे गतकाली एही निष्पत्ति नै छंती। 45 दिन रो व्यवधान को एबे 3 मास बढ़ाइ दिया जायछि। आरंभ रु कोविशील्ड टीकार 2 डोज मध्ये व्यवधान 28 दिन थिबा बेले एहा परे 6-8 सप्ताह करा जायथिला। एबे 2 टीका मध्ये व्यवधान 12-16 सप्ताह को बढ़ाइ दिया जायछि। परवर्ती टीला बंगोपसागर रे बात्या 27 संध्या सुधा ओडिशा पश्चिमबंग उपकूल छुईब। बंगोपसागर सृष्टि हेबाकु थिबा लघुचाप संपर्क रे आउ किछि स्पष्ट चित्र प्रदान करिछि भारतीय पाणिपाग विभाग। एही लघुचाप क्षेत्रटि आसंता 22 तारिख सुधा उत्तर अंडमान सागर ओ निकटवर्ती पूर्व केन्द्रीय बंगोपसागर सृष्टि हेबो। एहा परवर्ती 72 घंटा रे पर्यायक्रमे एक डीप डिप्रेशन ओ ता परे एक बात्या बा साइक्लोनिक सर्कुलेशन रे परिणत हेबो। एहा उत्तर पश्चिम दिगरे गति करी मे 26 संध्या सुधा ओडिशा ओ पश्चिमबंग उपकूल छुईब। एही लघुचाप क्षेत्र ओ संभाव्य बात्या उपरे नियमित नजर रखा जायछि बोली आईएमडी पक्षरु जारी बुलेटिन रे कुहा जायछि। एही बात्या प्रभाव रे आसंता 24-26 पर्यंत केन्द्रीय बंगोपसागर समुद्र अशांत रहिबो। सेहिपरि 25-27 पर्यंत उत्तर बंगोपसागर ओ ओडिशा उपकूल रे समुद्र अशांत रहिबो। परवर्ती टीला 5-5 जिला रे काल वैशाखी ओ वज्रपात संभावना। आसंता 24 घंटा मध्ये राज्यर विभिन्न जिला रे काल वैशाखी सहित वज्रपात संभावना रहितिबा भुवनेश्वर आंचलिक पाणीपाग केन्द्र पक्षरु पूर्वानुमान करा जायछि। एही जिल्ला गुडिक मध्ये सुंदरगढ़, देवगढ़, केन्दुझर, मयूरभंज, बालेश्वर, कोरापुट, रायगढ़, कलाहांडी और कंधमाल रहिछि। सेहिपरि आगामी 24 घंटा मध्ये मालकानगिरि, कोरापुट, नवरंगपुर, कलाहांडी, रायगढ़, कंधमाल, गजपति, सुंदरगढ़, केन्दुझर, मयूरभंज, बालेश्वर आदि जिलार गोटे दुटि स्थान रे वर्षा संभावना रहिथिबा भुवनेश्वर आंचलिक पाणीपाग केन्द्र पक्षरु प्रकाशित। एथिसहित 20-23 तारीख मध्ये राज्य रे अनेक जिला रे वर्षा ओ काल वैशाखी संभावना रहिछि। परवर्ती टीला ओडिशा रो संक्रमण हार कु नै विशेषज्ञ आकलन। सप्ताहे परे आरंभ होई पारे दैनिक संक्रमण
संक्रमण रे ह्रास 18% को खसी पॉजिटिविटी रेट। राज्य में दुई दिन पर दैनिक संक्रमण पुणी 11,000 टपि 60,510 नमूना परीक्षा पॉजिटिव हार 18.34% रही कि उद्वेगर विषय है गत 24 घंटे पुणी 21 जन करोन आखि बुझी 14 जिलूर 21 जन मृत्यु होता बेले केवल मे मस 335 जन प्राण हर विशेषज्ञ डाक्तर मत राज्य में 14 दिनिया लॉकडाउन रो प्रभाव अनुभूत संक्रमण एक प्रकार स्थिर स्थित रही विशेषज्ञ कहिबा अनुसार आगामी 7-10 दिन रे पुणी क्रमान्वय संक्रमण संख्या ह्रास पाइबार संभावना रही बड़ कथा हेउछि पॉजिटिविटी रेट बा संक्रमण हार 22-20 और एबे 18% को खसी आसी सेपटे गत 3 दिन है देश में 3,00,000 तलक रही कोरोना संक्रमण हेले बुधवार मृत्युर अलोड़ा रेकर्ड कर भारत कोरोना संक्रमण आरंभ हेबा दिनरु प्रथम थर पर गोटे दिन में 4,500 अधिक मृत्यु होई गत 24 घंटे देश में 2,67,334 नुआ मामला चिन्हट होता बेले 4,529 जन मृत्यु होई परवर्ती है ब्लैक फंगस को नहीं बढ़ुची चिंता महामारी बोली घोषणा कले राजस्थान सरकार कोरोना बेले काहीकि बढ़ुची ब्लैक फंगस एही ब्लैक फंगस कौन और यह लोकों मनरे अनेक भय रही विशेषज्ञ डाक्तर माने कोरोना चिकित्सा स्टेरॉइड व्यवहार जोगु ब्लैक फंगस इन्फेक्शन बढ़ुची डाक्टर जयंत षडंगी कहते लोके भूताणु संक्रमित होगा रोगी को सुस्थ करने स्टेरॉइड रो व्यवहार कराद्वारा रोगी शरीर में रोग प्रतिरोधक शक्ति कमि जाए फल शरीर में ब्लैक फंगस प्रवेश सहज हो ब्लैक फंगस कला फिंपी आगरु ब्लैक फंगस रो साधारण लक्षण हेउची आखि फुली नाकरु कला पानी बाहरिबा चर्मरे कला दाग देखा जिबा सेपटे एही ब्लैक फंगस भी महामारी बोली कहिसंती राजस्थान सरकार कोरोना महामारी सह विश्व लड़ाई करथुबा बेले ब्लैक फंगस भय बढ़ाई देछी आउ एहा भी महामारी बोली घोषणा करिसंती राजस्थान सरकार परवर्ती हेला राज्य रे ड्राइव इन टीकाकरण बंद करबाकु निष्पत्ति समस्त जिल्लापाल एवं म्युनिसिपल कमिश्नर को चिट्ठी लेखिले स्वास्थ्य विभाग SCS राज्य रे बंद हेबो ड्राइव इन टीकाकरण एने गतकाली स्वास्थ्य विभाग SCS राज्य समस्त जिल्लापाल और म्युनिसिपल कमिश्नर को चिट्ठी लिखी जणाई चिट्ठी लिखी सूचना मुताबक एही ड्राइव इन टीकाकरण कोविड टीकाकरण नियम उल्लंघन करुथिबारु एहाकु बंद करबाकु निष्पत्ति निया जायछि नियम मुताबक कोविड टीकाकरण समय पर्याप्त जगह वैक्सीनेशन रूम एवं अपेक्षा पाई स्वतंत्र कक्ष रहिबा आवश्यक हेले ड्राइव इन वैक्सीनेशन हेले एही नियमर उल्लंघन हेउछि किछि स्थानरे लोकमाने अधघंटा पाई अपेक्षा नकरी चली जाउथवा मध्य देखिबाकु मिलुछि जहाकु देखि एबे स्वास्थ्य विभाग एही ड्राइव इन टीकाकरण को बंद करबाकु निष्पत्ति नेइछन्ति परवर्ती हेला ऑक्सीजन सिलिंडर और औषध कलाबजारी रोकिबाकु निर्देश राज्य रे ऑक्सीजन सिलिंडर एवं औषध कलाबजारी को नेइ राज्य मानवाधिकार आयोग क्षुब्ध प्रकाश करिछन्ति राज्य मानवाधिकार आयोग निज तरफ मामला कर राज्य मुख्य शासन सचिव पुलिस डीजी स्वास्थ्य विभाग ACS को जवाब तलब करिछन्ति OHRC ऑक्सीजन एवं जीवन रक्षाकारी औषधर कलाबजारी रोकिबा लागि उपयुक्त पदक्षेप नेबाकु डीजीपी को निर्देश देइछन्ति मानवाधिकार कमिशन कलाबजारी प्रति कड़ा कार्यानुष्ठान नेबाकु मध्य निर्देश देइछन्ति कोविड द्वितीय लहरें ग्रामांचल अधिक प्रभावित हेउथुबारु तुरंत अस्थायी स्वास्थ्य केन्द्र बा TMC खोलिबाकु मुख्य शासन सचिव को कहिछन्ति कमिशन सेहिपरि मृतदेहर अंतिम संस्कार ने NHRC जारी करिथिबा परामर्श को पालन करिबाकु मध्य सरकार को कुहा जायछि आसंता June 26 रे मामलार परवर्ती सुनानी हेबो परवर्ती हेला ओडिसा रे प्रति लक्ष लोक रे टेस्टिंग कम ओडिसा रे कोविड टेस्टिंग को ने केन्द्र मंत्री धर्मेन्द्र प्रधान को राज्य सरकार को टार्गेट करिछन्ति राज्य रे दैनिक टेस्टिंग संख्या जातीय हार ठु कम अछि राज्य रे टेस्टिंग पर्याप्त नुहे बोली कहिछन्ति धर्मेन्द्र प्रधान से कहिछन्ति कोरोना महामारी समय देशर प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और स्वास्थ्य विशेषज्ञ माने ट्रेसिंग टेस्टिंग और ट्रीटमेंट को गुरुत्व दे आसुछन्ति तेनु ओडिसा रे मध्य अधिक टेस्टिंग रा आवश्यकता थिबा श्री प्रधान कहिछन्ति श्री प्रधान कहिछन्ति सर्वभारतीय स्तर रे लक्ष लोकक भितरे 146 जणकर टेस्टिंग हेउछि किंतु आम राज्य रे गत May 1 रु 17 तारिख भितरे होइथिबा परिसंख्यान को देखिले लक्ष रे 120 जणकर टेस्टिंग करा जाउछि किंतु आम राज्य तुलना रे केरल रे अधिक टेस्टिंग करा जाउछि केरल ओ ओडिसा रो जनसंख्या प्रायत समान रहिछि किंतु केरल रे लक्ष रे 390 जणक कोरोना टेस्टिंग करा जाउछि विशेष करी ओडिसा रो संबलपुर अनुगुल
ଢେଙ୍କାନାଳ ବରଗଡ଼ କଳାହାଣ୍ଡି ଓ ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ଭଳି ପଶ୍ଚିମ ଅଞ୍ଚଳରେ କରୋନା ପଜିଟିଭ୍ ସଂଖ୍ୟା ଉଦ୍ବେଗଜନକ ରହିଛି। ତେଣୁ ସବୁ ବର୍ଗର ଲୋକଙ୍କୁ ନେଇ ରାଜ୍ୟ ସରକାର କୋଭିଡ୍ ମୁକାବିଲା କରନ୍ତୁ ବୋଲି ଶ୍ରୀ ପ୍ରଧାନ କହିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀଟି ହେଲା ଇଂଲଣ୍ଡରେ ହୋଇପାରେ ଆଇପିଏଲ୍ର ଅବଶିଷ୍ଟ ମ୍ୟାଚ୍। କରୋନାର ଦ୍ୱିତୀୟ ଲହରୀ ପାଇଁ ସ୍ଥଗିତ ରହିଥିବା ଆଇପିଏଲ୍ର ଅବଶିଷ୍ଟ ମ୍ୟାଚ୍ 31 ମ୍ୟାଚ୍ ଇଂଲଣ୍ଡରେ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଏନେଇ ବିସିସିଆଇ ଓ ଇଂଲଣ୍ଡ ଓ ୱେଲ୍ସ କ୍ରିକେଟ୍ ବୋର୍ଡ ମଧ୍ୟରେ ଆଲୋଚନା ଜାରି ରହିଛି। ଆସନ୍ତା 29 ବିସିସିଆଇର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସାଧାରଣ ବୈଠକ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ। ଦୁଇଟି ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଉପରେ ଏହି ବୈଠକରେ ଆଲୋଚନା ହେବ। ଗୋଟିଏ ହେଉଛି ଭାରତରେ T20 ବିଶ୍ୱକପ୍ ଆୟୋଜନ ଓ ଆଇପିଏଲ୍ର ଅବଶିଷ୍ଟ ମ୍ୟାଚ୍ ଆୟୋଜନ। ଚଳିତ ବର୍ଷ ଭାରତରେ T20 ବିଶ୍ୱକପ୍ ଆୟୋଜନ ହେବାର ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଯଦି କରୋନା ସ୍ଥିତିରେ ସୁଧାର ନ ଆସେ ତେବେ ୟୁଏଇରେ ଏହାକୁ ଆୟୋଜନ କରାଯାଇପାରେ। ସେହିପରି ଇଂଲଣ୍ଡରେ ଆଇପିଏଲ୍ର ଅବଶିଷ୍ଟ 31 ମ୍ୟାଚ୍ ଆୟୋଜନ କରିବାକୁ ଯୋଜନା କରାଯାଉଛି।